ये भी इंस्टॉल करवाना है, बट इनका अभी क्लैंप अवेलेबल नहीं है, तो क्लैंप जैसे ही मिलेगा तो ये वाला इंस्टॉल करवा देंगे, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और आज का मंडे बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि आज लॉकडाउन फाइनली खुल चुका है और अनलॉक शुरू हो गया है बैंगलोर में। तो ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंडे मेरे को अच्छा लग रहा है, एंड काफ़ी टाइम से वेट था कि भाई लॉकडाउन खुलेगा, राइड करेंगे, काफ़ी सारी राइड करनी है, पेंडिंग रहेगी, प्लान बना रह गया बस। तो अभी प्लान इस तरीके से है कि आज तो मैं जा रहा हूँ हर्ट्स मोड, जो कि बैंगलोर में BTM लेआउट में है, और वहाँ से कुछ कुछ बाइक की एक्सेसरीज़ ख़रीदनी है। RR 310 की मॉडिफिकेशन के लिए मैंने बात करके रखी थी कुछ प्रोडक्ट्स की, और Benelli 600 i के लिए भी जो रियर व्यू मिरर है वो, बेंड पाइप, एग्जॉस्ट, वो सारे देखने हैं। तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ मैं, और वहाँ से जाके मैं देखूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ क्या मॉड्स अवेलेबल हैं RR 310 के लिए, क्योंकि RR 310 के लिए मैंने जनरली देखा है बहुत सारे मॉड्स जो हैं अवेलेबल नहीं हैं। कुछ शॉप्स हैं जो दिल्ली में जो प्रोवाइड करती हैं RR 310 के मॉड्स, बट Benelli के इजीली मिल जाएंगे, आई डोंट थिंक सो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू होने वाला है, बट प्राइस देखना पड़ता है क्योंकि जब बाइक्स मेंटेन करते हो तो प्राइस भी सोच के खर्चना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और आगे आने वाली राइड्स में भी खर्चा होगा। तो अभी अपने को YouTube से इतना अर्निंग तो है नहीं, तो जो भी है अभी सारा खर्चा अपने ऊपर ही है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:52, थोड़ा सा निकलने में लेट हो गया एक्चुअली, मेरे को एक जगह हॉस्पिटल भी जाना था, तो वहाँ से होके देन उसके बाद में मैं यहाँ इस तरफ निकला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया हॉस्पिटल में ही बैठे बैठे। एनीवेज आई थिंक हाफ एन आवर में पहुँचेंगे, हाफ एन आवर से भी आई थिंक कम ही लगेगा, क्योंकि जो हर्ट मोड्स है मेन रोड पर ही है BTM का, और मैं पहले उसी एरिया में रहता था, बट काफ़ी टाइम हो गया मेरे को उस एरिया में ना गए हुए, तो अभी क्या क्या चेंजेस हो गए मैं पता नहीं। तो अभी जो बाइक की मॉड्स का जो प्लान है उसमें फर्स्ट आता है CNC का जो लीवर प्रोटेक्टर्स जो आते हैं वो पहला मॉड रहेगा, और उसके अलावा मैं वाइज़र देख रहा हूँ, अगर वाइज़र मेरे को कोई सा दूसरा मिलता है तो वो, एंड इंडिकेटर्स, उसके अलावा फ्रेम स्लाइडर्स मेरे को अभी कुछ रोल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जब फ्रेम स्लाइडर्स लगाते हैं और अगर इनके मूविंग बाइक में अगर एक्सीडेंट होता है तो वो पूरा चेसी भी बेंड कर देता है, तो आई विल अवॉइड यूजिंग दैट। तो बिना कुछ देरी किए हुए अभी जल्दी से चलते हैं शॉप पे पहुंचेंगे, और शॉप पे पहुंचने के बाद में देखेंगे क्या क्या बाइक्स के मॉड्स अवेलेबल हैं, और उसी हिसाब से आपको प्राइसिंग और जो मॉड का क्वालिटी है दोनों दिखाऊंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो आज ऑफिस के दिन भी निकला हुआ हूँ और वापस जाके काम जल्दी जल्दी भी निपटाना है। मिल गई शॉप, मिल गई भाई हर्ट्ज़ मॉड्स। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला इंडिकेटर मैंने सेलेक्ट किया है, फ्लैश एक्स यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं, बट RR 310 के कंपेटेबल कोई सा नहीं है, तो अभी नेक्स्ट वीक जब आएगा तो इसको लगाएंगे। और भी बैंड पाइप्स देखे हैं Benelli के लिए, इनके पास अभी स्टॉक में नहीं है, वो भी इनको लेके आने पड़ेंगे, तो Benelli के भी बैंड पाइप लेके जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो टैंक पैड हो गया और जो
इसका टैंक का कवर, ये दो चीज़ें लगाएंगे बाइक में। इंडिकेटर हो गया ये वाला जो सेम थर्ड वाला आप लोगों को दिखाया, और ये हो गया मैग्नेटिक टेल टीडी। इसको अभी रिप्लेस, इसको अभी चेंज कराएंगे ओरिजिनल वाले से, और ये कुछ इस तरीके से लग जाता है। ओके सो ये जो है बेनेली का वाइज़र, ये भी इंस्टॉल करवाना है, बट इनका अभी क्लैंप अवेलेबल नहीं है, तो क्लैंप जैसे ही मिलेगा तो ये वाला इंस्टॉल करवा देंगे। अच्छा लग रहा है काफ़ी। उसके अलावा जो बेंड पाइप है बेनेली का, ये वाला, इसको इंस्टॉल करवाएंगे। ये भी खोल के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। तो दो साइड का लगाने का सोच रहा हूँ, तो देखते हैं जब एग्जॉस्ट आ जाएगा तो ये दोनों चीज़ें लेके जाएंगे। अभी इंस्टॉलेशन कराते हैं। तो अभी बाइक में इंस्टॉलेशन चालू है, टेल टीडी और जो लाइट्स हैं दोनों ही चेंज हो जाएंगी, उसके बाद लगेगी पूरी स्पोर्टी बाइक। यहाँ पे बाकी बाइक्स का भी मॉडिफिकेशन चल रहा है, और बाकी जो भी मॉड्स हैं उनकी फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल दूंगा। यू कैन फॉलो मी, माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ विकेट राइडर ऑफिशियल। तो अभी यहाँ पे फिटिंग चल रहा है, चलते हैं यहाँ से वापस। और काफ़ी टाइम हो गया, आज तो 2:15 हो गए। जो आगे वाले इंडिकेटर है वो चेंज नहीं कराए, क्योंकि जो फेयरिंग है उससे थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी वजह से वॉशर लगाना पड़ेगा, और वॉशर की वजह से वो एक लुक जो है बाइक के रैप का और बाइक का भी दोनों ख़राब हो जाएगा। तो अभी जो स्टॉक वाले हैं वही लगे रहने दिए हैं, और जो पीछे वाले हैं, पीछे वाला अच्छा दिख रहा है। टेल टी डी जो है प्राइस उसका मेरे को पड़ा 1100, RR310 कंपैटिबल, मैग्नेटिक वाला नहीं है, बट जो लंबा पीछे टेल टीडी दिखता है वो वैसा नहीं है, आपका पूरा बाइक से लगा हुआ है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का प्राइस मेरे को पड़ा सिर्फ 350 रुपीज़। और बाकी जो बेनेली का बैंड पाइप है, जैसे आप लोगों को दिखाया मैंने,
बेनेली का बैंड पाइप का प्राइस है 4,500। बेनेली का वाइजर जो आप लोगों को दिखाया उसका प्राइस था 3,000 रुपीज, जिसको क्लैंप से माउंट करना पड़ेगा और क्लैंप का प्राइस है समवेयर अराउंड 1,000। तो बेनेली का भी मॉडिफिकेशन कराएंगे, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग व्लॉग्स। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगी होंगी। आज के लिए इतना ही मॉड्स हो पाया क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम भी नहीं था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन दबा दो, वहाँ से आप लोगों को सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को नोटिफिकेशन आई नहीं पहुँचती होगी। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझको फॉलो करिए। दिस इज़ विकेट राइडर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।